आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शाम शाम गाइस। आप लोगों ने मछली मंचूरियन और वेज मंचूरियन, पनीर मंचूरियन बहुत खाया होगा, बट आज हम बनाने जा रहे हैं एक ऐसी रेसिपी जो कि आपने पूरे YouTube पर नहीं देखी होगी, गारंटी है। तो प्लीज आपसे पहले ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरी देखिएगा, उसके बाद अपने कमेंट करिएगा। तो आज हम बनाने जा रहे हैं, ये देखिए, इडली मंचूरियन। ठीक है, इडली की रेसिपी हम मतलब इडली की रेसिपी हम लोगों ने हमने दी है आपको, आप देख सकते हो वहां से। तो ये हमने बनाई थी इडली, जो कि थोड़ा सा रखने पर हार्ड हो गई है, बच गई थी तो हार्ड हो गई है। ठीक है, तो रख दी थी फ्रिज में तो हार्ड हो गई है। तो इसका हम बनाएंगे मंचूरियन, तो इसका नाम हमने दिया है इडली मंचूरियन। तो चलिए देखते हैं कि हमें कैसे बनाना है। चलिए बनाते हैं इडली मंचूरियन। ये देखिए गाइस, एक प्याज मीडियम साइज का और एक हमने 3 से 4 लहसुन की कलियां कट करके रखनी है। तो चलिए बनाते हैं गाइस। इसमें मिर्च वगैरह का इस्तेमाल हम कम करेंगे क्योंकि हम इसको बना रहे हैं बच्चों के हिसाब से। तो आप जिस हिसाब से, आप बड़ों के हिसाब से बनाइए तो आप बड़ों के हिसाब से मिर्च वगैरह का टेस्ट अपने हिसाब से करिएगा। तो चलिए बनाते हैं। ये देख सकते हैं गाइस, हमने अपना पैन ले लिया है। गाइस पनीर मतलब हल्की पेंदी का लेना है इसको बनाने के लिए, क्योंकि चिली पनीर वगैरह अगर हैवी बॉटम की लेंगे ना, क्योंकि हमको इसके लिए फ्लेम बिल्कुल हाई चाहिए होती है इस वजह से। ठीक है, तो इसमें हम डालेंगे ऑयल, जो भी ऑयल आप खाते हो आप वही डाल सकते हैं। ये देखिए गाइस, बड़ा स्पून हमने ऑयल ले लिया है, मस्टर्ड ऑयल। तो इसको खूब धुएंदार गर्म करेंगे अच्छे से। तो इसको देख लीजिए, ये देख सकते हैं गाइस, आप धुआं खूब निकलने लगा। तो इसमें पहले हम डालेंगे लहसुन की कलियां, क्योंकि हम थोड़ा सा 1-2 सेकंड भून लेंगे इसको, ज्यादा देर नहीं भूनेंगे। ये देखिए भून चुकी है। तो अब हम डालेंगे अपना प्याज, जो हमने एक मीडियम साइज कट करके रखा है, इसको भी हम थोड़ा सा ही भूनेंगे। बहुत सिंपल तरीके से बनाएंगे मगर बहुत टेस्टी बनेगा ये। और इसमें मसाले भी हम ज्यादा कोई ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि ये बच्चों के लिए बना रहे हैं, उस हिसाब से बनाएंगे। तो इसको हम 2 से 3 सेकंड भून लेंगे। ये देखिए गाइस, अब इसमें डालेंगे हम 1/2 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर कलर के लिए, और इसमें ऐड करेंगे हम थोड़ा सा पानी। पहले हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे क्योंकि हमको हल्दी और ये मसाले पक गले नहीं हमारे, इसलिए उसके बाद हम सॉसेस वगैरह ऐड करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब ऐड करते हैं सॉसेस। ये देख सकते हैं गाइस, 2 स्पून टोमेटो सॉस। ठीक है, ये देखिए गाइस, 1 स्पून चिली सॉस। ठीक है, अच्छे से धुआं निकल रहा है यानी ये पक रहा है अच्छे से। ये देखिए गाइस, 1 स्पून करीब सोया सॉस। तो इसको हम मिला के पका लेंगे, इडली के साथ बनाएंगे तो जो इडली है ना हमारी, वो भी थोड़ी सी जूस को जो है ऑब्जर्व करेगी, तो इसलिए हमको पतला ही चाहिए। और एक बार गाइस, इडली बनाकर रखिएगा और इडली गर्म ही मत डालिएगा। इडली अगर ठंडी होगी तो ज़्यादा बेस्ट रहेगी। अगर गर्म इडली बनाई तुरंत और तुरंत ये चीज़ें बनाएं तो इडली जो है वो सॉफ्ट हो जाएगी ज़्यादा। अब इसमें ऐड करेंगे हम पानी अपने आवश्यकता अनुसार। ये देख सकते हैं गाइस, 1/2 कप के अनुसार पानी, ये देखिए आप स्पून से भी निकाल दे रहे हैं, डाल दे रहे हैं। ये देखिए 2 से 3 स्पून हमने पानी ऐड किया है क्योंकि हमें इडली के लिए बनाना है। ठीक है, ये देखिए गाइस, इसमें स्वाद के अनुसार नमक ऐड करेंगे, तो थोड़ा सा ही नमक ऐड करेंगे क्योंकि सॉसेज में भी नमक होता है ना, सॉल्ट होता है हमारी, इस वजह से। ये देखिए पकने लगा है अच्छे से, तो इसको थोड़ा सा, ठीक है, एक मिनट पकने देंगे इसको, उसके बाद में इडली भी इसी में सर्व करेंगे। अब ये देखिए गाइस, हमारा लगभग 1 मिनट हो चुका है पकते हुए, तो ये अपनी इडली है इसी में डाल देंगे और थोड़ी देर बॉयल आने देंगे, जिससे कि रखी हुई इडली है ना तो ये गर्म ग्रेवी में पड़ के ये सॉफ्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो इनको हम 1 मिनट के लिए इसमें पका लेंगे। ठीक है, चलाते हुए ये देखिए गाइस, हमारा बन चुका है और इडली भी सोक कर चुकी है। तो क्या करेंगे, हम बंद कर देंगे इसको। ठीक है, और अब हम सर्व करेंगे। ये देख सकते हैं गाइस, हमारी इडलियों ने सारा का सारा
जो ग्रेवी थी वो सोक कर लिए, इडली एकदम यम्मी बन गई है। तो गाइज ये है कि रखने से जो इडली सख्त हो जाती है, अच्छे से नहीं होती है, तो वो भी इस तरह से बनाने के खाने पे बहुत टेस्टी और जूसी लगेगी। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हम सर्व करेंगे, और देखिए पीसेस कितने बड़े बड़े हो गए फूल करके। ये देख सकते हैं गाइस, इसको आप चपाती के साथ भी खा सकते हैं, एज ए सब्जी आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसको। चपाती है, राइस है, या फिर आप पूड़ियां हैं, पराठे हैं, किसी के साथ भी खा सकते हैं। थोड़ा सा और अगर ग्रेवी वाला बना लेंगे तो वो भी चलेगा। और ये देखिए, आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट हो गया है एकदम से। ये देखिए इतनी सॉफ्ट, देखिएगा आप हाथ से भी दिखा रहे हैं, ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है। जो बच्चे इस तरह की चीजें ज्यादा खाना पसंद करते हैं उनके लिए बहुत बढ़िया स्नैक है। अगर आप चपाती रोटी के साथ नहीं भी खाना चाहते हो तो आप ऐसे भी खा सकते हो, इतनी टेस्टी इतनी यम्मी। तो प्लीज अपने घर में ये ट्राई जरूर करिएगा, उसके बाद अपने कमेंट हमारे साथ शेयर करिएगा। तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट रेसिपी के साथ। बाय बाय।